कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ने की मांग जोर पकड़ रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में कपास की खेती करने वाले किसान चालू सीजन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य 12,000 रुपए बढ़ाने की मांग सरकार से कर रहे हैं। कपास किसान संगठन ने कहा है कि मांगों को लेकर वो 29 से 31 अक्टूबर तक प्रदर्शन करेंगे। इसमें राज्य में कपास की खेती करने वाले सभी किसान शामिल होंगे। कपास किसानों ने दावा किया है कि एक क्विंटल कपास उत्पादन के लिए 8,000 रुपए प्रति क्विंटल की लागत लगती है। इस साल असामान्य रहे मानसून के कारण कपास की फसल प्रभावित हुई है, इससे उन्हें अतिरिक्त श्रम और फसल रखरखाव के लिए अधिक खर्च झेलना पड़ा है। हालांकि भारत की बात की जाए तो देश में इस बार कपास का रकबा 7% बढ़ा है। सितंबर माह तक करीब 126 लाख हेक्टेयर में कपास की बुआई हो चुकी है। पिछले साल की समान अवधि में कपास का रकबा 117 लाख हेक्टेयर था। मंडियों में कपास की आवक होने के साथ ही हाजिर बाजार में कपास की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले एक सप्ताह के करीब कपास का भाव 4% घटकर 43,000 रुपये प्रति गांठ हो गया है। वहीं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अतुल गनात्रा का कहना है कि 14 वर्षों की रिकॉर्ड गिरावट के बाद कपास फसल के क्षेत्र में इस वर्ष 10% की वृद्धि हुई है। वहीं मॉनसून सक्रिय होने से इस वर्ष तेलंगाना को छोड़कर कई राज्यों में प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ने की भी संभावना है। गुजरात में इस वर्ष 91 लाख कपास की गांठ और महाराष्ट्र में 84 लाख गांठ तैयार होने का अनुमान है, जबकि मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 20 लाख गांठ बढ़कर 195 लाख गांठ तैयार होने का अनुमान लगाया गया है। उत्तर भारत की बात करें तो पंजाब सहित अन्य प्रदेशों में रुई का उत्पादन 50 लाख गांठ के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं रॉयटर ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत इस बार कॉटन के निर्यात में कटौती करेगा। नए सत्र में देश निर्यात घटाकर 35 लाख गांठ कर सकता है। इसका मेन कारण है देश में रुई की खपत बढ़ना और उत्पादन कम होना। अमेरिकी कृषि विभाग ने रुई के उत्पादन पर चिंता जताते हुए कहा है कि रुई का आयात निर्यात पिछले वर्षों की तुलना में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।